So hello everyone, welcome back to my channel. We are back with our British literature series and now it's time for lesson number 2, which is Anglo-Norman Age. Having said that, we have already covered Anglo-Saxon Age, जहाँ पे हम लोग ने बहुत ही ब्यूटिफुली बिल्कुल एग्जाम रेडी पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग ने Anglo-Saxon Age को देख लिया है, इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लिया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्या चेंजेस आए थे उसको देख लिया एंड वी हैव ऑल्सो सीन सम क्वेश्चंस. टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेम फॉर Anglo-Norman Age. हो सकता है कि आपका बहुत ब्यूटिफुल रिविजन हो इसके जरिए एंड हो सकता है कि आपको बहुत सारी नई जानकारी भी जानने को मिले. सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन. Anglo-Norman Age इज नोन एज द मिडिल इंग्लिश पीरियड. पिछले वीडियो में भी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा ओल्ड इंग्लिश है एंड कौन सा मिडिल इंग्लिश है, बिकॉज इससे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ चाइल्ड टू रिमेंबर कि ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश तो साथ में पढ़ा था, कौन सा किसको डिनोट करता है. ओल्ड इंग्लिश इज ओल्ड सैक्सन पीरियड एंड हमारा Anglo-Saxon पीरियड एंड हमारा मिडिल इंग्लिश है Anglo-Norman पीरियड एंड इसके बाद जो आपके एज ऑफ चौसर आने वाली है वो भी आपकी मिडिल एंड मिडिवल इंग्लिश में आ जाती है. तो ये जो आपका पीरियड है बेटा आपका चलता है 1066 एडी से लेके 1300 एडी या फिर उसके रफ टफ थोड़ा सा आगे. 1066 एडी में हुआ था हमारा बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जो हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में देखा था. इट वाज अ बैटल बिटवीन द लास्ट रूलर ऑफ Anglo-Saxon एज जिसका नाम है हेरोल्ड सेकंड एंड बिटवीन विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी. एंड ये आपका जो पूरा बैटल है जीत लिया था हमारे विलियम सेकंड ने, जिनके बाद से ये जो रेन है, ये जो हमारा पूरा रूल है स्टार्ट हो जाता है, विच इज नोन एज द Anglo-Norman एज. तो ये जो बेसिक डिटेल्स है स्टार्टिंग की वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुली क्लियर हो गई होंगे. आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग के पिछले वीडियो में हम लोग की कनाडा वाली बुआ आई थी एंड बहुत सारे चेंजेस एंड वोकैबुलरी में चेंजेस लेकर आई थी, इस बार भी हम लोगों के Anglo-Norman में हमारी रशियन एक मासी आने वाली है जिनकी वजह से हम लोगों के कुछ चेंजेस आने वाले हैं कल्चर के अंदर, लैंग्वेज के अंदर एंड लिटरेचर के अंदर. लेट्स टेक अ लुक एट देम. The Norman conquest brought significant changes to English literature and language. आपके Norman conquest के बाद जब आपके विलियम सेकेंड आते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर देखने को मिलते हैं. एंड द सिग्निफिकेंट थिंग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई एम आई पुटिंग सच एम्फेसिस, बिकॉज इससे आपके एक नहीं तीन चार पांच क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीटेडली. आपका जो इंग्लैंड है वो बन चुका है अब ट्राइलिंगुअल कंट्री. आपके नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ट्राइलिंगुअल कंट्री बन जाता है, मतलब कि तीन तरह की आपकी मेजर भाषाएं बोली जाती हैं. वो किस किस क्लास के थ्रू बोली जाती हैं इससे आपके यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, जो आप लास्ट में भी वीडियो के देखने वाले हो. नंबर वन थिंग नॉर्मन फ्रेंच. अब जैसे मैंने बोला कि आपकी रशियन मासी आई है, शी इज अ वेरी रिच वुमेन एंड बहुत ही इलाइट कल्चर को बिलोंग करती हैं. तो जब भी ये जो अमीर लोग होते हैं, रूलर टाइप के लोग होते हैं, मोनार्की होती है, वो जब आते हैं तो वो अपनी भाषा एंड अपना कल्चर लेके आते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि उनके आसपास की जो इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं वो भी उनसे ही बात करें, उन्हीं लैंग्वेज में बात करें. तो आपके जब ये विलियम सेकंड आते हैं, दे ही इज ऑफ कोर्स अ रूलर, ही इज अ किंग, तो इनकी जो इमीडिएट सराउंडिंग्स में किंगडम की जो भाषा होती है, जो अरिस्टोक्रेटिक अमीर लोग बात करते हैं आपके किंगडम में, वो होती है आपकी नॉर्मन फ्रेंच. ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मन फ्रेंच. आपके यूजीसी नेट ने आपसे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा है कि आपके Anglo-Norman एज में कौन सी टाइप की फ्रेंच पूछी पढ़ी जाती है. ओल्ड फ्रेंच वहां पे बोली जा रही है, स्टैंडर्ड फ्रेंच बोली जा रही है, नॉर्मन फ्रेंच बोली जा रही है. तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्मन फ्रेंच बोली जा रही है. ये आपके जिस एरिया से नॉर्मैंडी से ये आए होते हैं उस एरिया की जो नदन साइड की जो भाषा होती है उसको हम लोग नॉर्दन या फिर नॉर्मन फ्रेंच बोलते हैं. ये जो बेटा आपका डायलेक्ट है, ये लैंग्वेज है, बोली जाती है बाय द अरिस्टोक्रेटिक पीपल. इस भाषा को और कोई नहीं बोलता है, ठीक है. मतलब समझ लेना कि वहां के किंगडम में जितने भी रूलर्स हैं उनकी इमीडिएट सराउंडिंग्स है, वो लोग इस भाषा को बोलते हैं. नेक्स्ट हम लोग की जो भाषा चलती है उसको कहते हैं हम लोग लैटिन भाषा, ठीक है. लैटिन बोलो, लेटिन बोलो, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, ये जो आपकी भाषा है बेटा बोलते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड क्लर्जी. क्लर्जी कौन है? आपकी जितनी भी चर्चेज हैं वहां पे जितने आपके क्लर्जी मैन हैं, फादर हैं, वो आपकी इस भाषा को पढ़ते हैं लेटिन में. एंड उनकी जो बाइबल एंड स्क्रिप्चर्स भी लिखी होती हैं वो आपकी लेटिन में लिखी होती हैं. कनेक्ट करते चलना इस पॉइंट को. जैसे ही हम लोग एज ऑफ चौसर में जाएंगे, हम लोग विक्लिफ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने किस तरीके से
ये देखा था कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो लेटिन भाषा में है, जो कॉमन लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो उनको जब उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इस पर्टिकुलर टाइम पे अरिस्टोक्रेटिक पीपल वर टॉकिंग इन नॉर्मन फ्रेंच, एंड आपके जितने भी एजुकेटेड क्लर्जी थे, ध्यान देना लिखा हुआ है कि जितने भी पढ़े लिखे क्लर्जी थे जो बिल्कुल ऐसे ही पादरी बन गए थे एंड वो एजुकेटेड नहीं थे, वो भी आपकी लेटिन भाषा नहीं जानते थे। और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर रूल करने में, ये आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग की जो भाषा आती है, तीसरी भाषा, वो है हम लोग की इंग्लिश। अब इंग्लिश जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है हमारी ओल्ड इंग्लिश। भाई हम लोग के अभी तक तो एंग्लो सैक्सन एज ही चल रही थी जहां पे ओल्ड इंग्लिश बोली जा रही थी, तो जितने भी कॉमन एंड नेटिव पीपल है ना वो बात करते हैं आपकी इंग्लिश में। इस पर्टिकुलर चीज को स्क्रीनशॉट मार लो, रट लो, याद कर लो, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि लैंग्वेज जो हम लोग की मासी आई रशिया से, तो बहुत सारे चेंजेस अपने लेके आई। द इंग्लिश लैंग्वेज दैट वॉज टिल नाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मनिक ट्राइब्स, कौन सी जर्मनिक ट्राइब्स, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, वो अब सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो जाती है एंड चेंज हो जाती है आपके इतने अरिस्टोक्रेटिक पीपल के आने के बाद। स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं, आपकी लिटरेरी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, एंड वो किस चीज से रिप्लेस हो जाती है, नॉर्मन फ्रेंच। नाउ अगेन आपके यूजीसी नेट ने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे हैं कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं एंड कौन से नए नए फ्रेंच से वर्ड वो लोग क्या करते हैं, इम्बाइब करते हैं। तो बहुत सारे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो आप लोग गूगल भी कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कौन कौन से फ्रेंच पीपल नए शब्द लेके आए थे जिसको हमारे इंग्लिश पीपल इम्बाइब कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज के बाद आती है लिटरेचर, जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट काम की चीज होती है। अरिस्टोक्रेटिक टेस्ट जो था, जो आपका था, वो आपके फॉर्म्स एंड ट्रोप्स पसंद करते थे आपके फ्रेंच लिटरेचर के। ये क्या होते हैं फॉर्म्स एंड ट्रोप्स, मतलब आपके ऐसा जॉनरा होता है आपके लिटरेचर का जो रोमांसेस, शिवलरी के बारे में ज्यादा बात करता है। जैसे हम लोग एंग्लो सैक्सन एज में भाई लड़ाके लोग थे, ट्राइब्स थी हमारी, तो वो लोग पसंद करते थे एपिक पोएट्री, हीरोइक पोएट्री। यहाँ पे भैया कोर्ट के जो पीपल होते हैं वो लोग कोर्टली रोमांस के बारे में बात करते हैं, शिवलरी के बारे में बात करते हैं। एंड ये धीरे धीरे आप लोग चौसर के वर्क्स में भी देखेंगे कि जो भी नाइट्स होते हैं उनकी जो कहानियां होती हैं या फिर उनका जो पहनावा होता है वो बहुत ही रोमांटिक एलाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दी गई थी आपकी हीरोइक पोएट्री जो यूज करती थी, आपकी एलिटरेटिव वर्सेस एंड किनिंग्स का इस्तेमाल करती थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था विच वी मे हैव मिस्ड इन एंग्लो सैक्सन एज, की एंग्लो सैक्सन एज की जो पोएट्री थी वो यूज करती है एलिटरेटिव वर्सेस का, वो यूज करती है आपकी किनिंग्स का। ठीक है, एंड प्लूरल फॉर्म्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा था। ये सब अब आपके एंग्लो नॉर्मन एज में आते आते रिप्लेस हो गया था। एंड किस चीज से रिप्लेस हुआ, कोर्टली रोमांसेस एंड शिवलरी, जहाँ पे भाई माय लेडी करके आपकी जो कोर्टली विमेन होता है उनका हाथ पकड़ा जाता है एंड आपका लव अफेयर होता है एंड ऑल सच थिंग्स। तो आपके कोर्टली रोमांसेस जो सबसे ज्यादा फेमस है, लिटरेरी जो वर्क्स है वो आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो हमारा वर्क है हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा था आपके जॉफ्री ऑफ मनमथ ने, ये एक वेल्श मॉन्क थे। ठीक है, याद रखना मॉन्क थे आपके। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने आपके एजुकेटेड क्लर्जी हैं, मॉन्क हैं, वो लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो ये देखो इन्होंने इस पूरी चीज को लिखा है अपनी लेटिन भाषा में। ये बताता है आपकी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटॉन्स लेटिन भाषा में। ये जो इनका वर्क है बेटा, रेफरेंस बनता है, सोर्स बनता है बहुत सारे हमारे आगे आने वाले वर्क्स का जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि हमारे शेक्सपियर की किंग लियर में उन्होंने रेफरेंस लिया है हमारे जॉफ्रे ऑफ मनमथ के, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया का। मैलरी मॉटेरी ऑर्थर ने भी इसका रेफरेंस लिया है, टेनिसन ने इडल्स ऑफ द किंग में इसका रेफरेंस लिया है, एंड जॉफ्री चौसर ने भी रेफरेंस लिया है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्क आता है वो लिखा है हमारे लेमोंट, जो कि हमारे इंग्लिश प्रीस्ट है, उन्होंने लिखा है ब्रूट। अब देखो ये इंग्लिश प्रीस्ट है तो इन्होंने ये वर्क लिखा है मिडिल इंग्लिश में, जहां पे आपको फ्रेंच एंड आपके ओल्ड इंग्लिश का एक अमेलगमेशन देखने को मिल जाता है। अब क्रॉनिकल है तो ये आपका थोड़ा सा प्रोज फॉर्मेट में लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ राइमिंग क्रॉनिकल। ठीक है, तो इसमें आपकी वर्स एंड पोएट्री दोनों मिक्स है, इसको आपको याद रखना है। सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने भी कोटली पीपल होते हैं दे लव टू टॉक अबाउट शिवलरी, रोमांस एंड नाइटली ब्रेवरी, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही ब्यूटिफुली ये इंपॉर्टेंट वर्क लिखा गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द अर्थरियन रोमांसेस
are those of Gawain Cycle, narrating the exploits of Sir Gawain, a knight at Arthur's court. आपके अर्थर के कोर्ट में एक जो सर गवेन थे उनकी ब्रेवरी, उनकी रोमांस, उनकी शिवलरी के ऊपर बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, जिसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा सर्च करना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट वर्क हम लोग का यहाँ पे सामने आ जाता है आउल एंड द नाइट टाइगल. ये आपकी एक टाइप की एलेगोरिकल काइंड ऑफ बोल सकते हैं स्टोरी है जो किसी चीज को आपके सिग्निफाई करती है. आपकी आउल एंड द नाइट टाइगल के बीच में एक डिबेट हो रहा है. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी यूजीसी नेट ने पूछा है कि जब ये दोनों डिबेट कर रहे हैं तो कौन आपके स्पेक्टेटर्स हैं, कौन वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए. देन आती है हमारी थोड़ी सी रिलीजियस पोएट्री जो कि है आपकी द पर्ल. ये 14th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश की पोयम है जहां पे मिडिवल एलिगरी एंड ड्रीम विजन को हम लोग देखते हैं. अब ये जो ड्रीम विजन का कॉन्सेप्ट है, हम लोग जैसे ही एज ऑफ चौसर में जाएंगे बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा कि एलिगोरिकल वर्क है, ड्रीम विजन है, कि किसी को ड्रीम आता है ना, उसमें जो विजन्स आते हैं उस पे एलिगोरिकल आपकी स्टोरीज लिखी होती हैं. सो दीज वर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स. ठीक है, इसके बाद आपका एक नोटेबल इवेंट आता है. नाउ प्लीज कीप इन माइंड कि और भी बहुत सारे वर्क्स हो सकता है आप लोग ने अपने नोट्स में बनाए हो या फिर आपको पता हो. सो डू कमेंट डाउन बिलो कि वो कौन से वर्क्स हैं. जितने वर्क्स आपको पता है आप यहाँ पे एंग्लो नॉर्मन एज के लिख के जा सकते हो, एंड जितने भी बच्चों को अपने नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं वो यहाँ पे लिख के जाएगा, सबका यहाँ पे भला हो जाएगा. ठीक है, नोटेबल इवेंट जो आपका एंग्लो नॉर्मन एज में होता है, जो आपका डायरेक्ट कनेक्ट करता है एज ऑफ चौसर से, कि इस पर्टिकुलर एज में आपका एक इवेंट हुआ था जिसको कहते हैं थॉमस बेगेट का असैसिनेशन हुआ था. थॉमस बेगेट उस टाइम के जो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट एक प्रीस्ट थे, आपके रिलीजियस कैरेक्टर थे, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी. कैंटरबरी जो वहाँ की इंपॉर्टेंट एक श्राइन है वहाँ पे ये रहते थे, एंड इनका असैसिनेशन हुआ था. आपके जो राजा होते हैं एंड आपके जो चर्च का जो हेड होता है, उन दोनों की जो सोच है वो मिलनी चाहिए. जब ऐसा नहीं होता है तो भाई राजा किसी ना किसी उस चीज को मरवा देता है, बिकॉज ही वांट्स सुप्रीम पावर. तो इनका बेगेट्स कॉन्फ्लिक्ट विद हेनरी सेकंड, आपके विलियम सेकंड के बाद बेटा आपको याद रखना है रूल में आ गए थे हेनरी सेकंड, तो इनका बेगेट के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अपॉन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, विच लीड्स टू हिज असैसिनेशन. अब हम लोग कैंटरबरी टेल्स में आगे जाके देखने वाले हैं कि थॉमस बेगेट की श्राइन पे सब लोग जाने वाले हैं, वो यही श्राइन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको एंग्लो नॉर्मन एज के बहुत ही ब्यूटिफुली टू द पॉइंट तरीके से बहुत ही कम टाइम में क्लियर हो गए होंगे. अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस. आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकेम थ्री लैंग्वेज नेशन फॉर एटलीस्ट टू सेंचुरीज. द थ्री लैंग्वेजेस वर, आपसे एंग्लो नॉर्मन एज में बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्राई लिंगुअल बन चुकी थी आपका ये स्टेट. कौन कौन सी तीन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता था इस टाइम पे? फ्रेंच, लेटिन एंड इंग्लिश. आप सबको याद रखना है कि फ्रेंच थी हमारी एरिस्टोक्रेटिक की लैंग्वेज, लेटिन थी हमारी एजुकेटेड क्लर्जी एंड मॉन्क एंड स्कॉलर्स की लैंग्वेज, एंड इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश थी हमारी कॉमन पीपल, लो क्लास पीपल की लैंग्वेज जो ऑलरेडी वहां के नेटिव थे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. ड्यूरिंग द रीन ऑफ नॉर्मन किंग्स इट वॉज फैशन able to speak dash in upper class circles in English. A very very important question. Har jagah aapko aristocratic jo keyword hai wo dekhne ko nahi milega, but when we say upper class circles in English, jo aapka highest us time pe upper class tha, wo kya baat karta tha aristocratic and elite people? फ्रेंच में बात करता था. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी वन. अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल कि हम लोग एक वीडियो में वो करते चले जाएं. आप लोग खुद से जाके उन क्वेश्चंस को लगा सकते हो. ब्रिटिश लिटरेचर के सारे क्वेश्चंस मैंने अलग करके रखे हैं, कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो तो इसमें बीच में नहीं आ जाएगा. आप सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेल करिए. आपके एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं, एंड देयर इज नथिंग एल्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू अदर देन प्रैक्टिसिंग as many PYQs as you can. Revision karo, aapke PYQs lagao. Revision karo, PYQs lagao, and you need to do nothing else. So with that, आपका Anglo-Norman age खत्म होता है. If you are interested, you can go on my Telegram channel and वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, join कर सकते हैं. यहाँ पे आपको free PYQs भी daily basis पे मिलते हैं, free polls मिलते हैं. मेरे बाकी बच्चे भी इसको बहुत time से avail कर रहे हैं. So I am already available on YouTube, जहाँ पे आप मेरे free lectures को enjoy करते हैं. You can also go and join my Telegram channel. सारे links जो हैं आपको description में मिल जाएंगे. Do let me know and give me your feedback कि ये जो series है वो आपकी कितनी मदद कर रही है, क्या
क्या आपको रिविजन एक बूस्ट मिल रहा है या नहीं, जहां पे आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है एंड यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी डिटेल इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो डू लेट मी नो, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर अ न्यू वन. आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन गेट अनदर वीडियो. अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप एग्जाम से पहले पढ़ना चाहते हो, सो डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल क्विकली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट फॉर यू. सो अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड डू चेक आउट द PYQ course. Bye.